हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो बीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं स्नैप एडिट एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यह ऐप क्या है, इस ऐप से कोई भी फोटो एडिट कैसे करते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, सारी डिटेल पर मैं बात करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है और जब इंस्टॉल हो जाए तो इसको जस्ट ओपन कर देना है। तो मैं इंस्टॉल लगा दिया हूँ। इंस्टॉल होने के बाद इसको जस्ट ओपन पर क्लिक करके हम ओपन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 4.4 की रेटिंग मिली है, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 पे रिमूवर है, उसके बाद इंचांस है, उसके बाद आर्ट इफेक्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही कमाल के हैं दोस्तों। चलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं, रिमूवर पे। ओके, तो यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज कर लेना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड आ गया, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करना है या कोई भी फ़ोटो रिमूव कैसे करना है। अब जैसे ये वाला फ़ोटो है तो आपको इसको ब्रश से कुछ इस तरीके से कर देना है। ओके, चाहो तो आप बड़ा करके अच्छे से कर सकते हो। ओके, उसके बाद रिमूव पर क्लिक करोगे तो ये जो फ़ोटो है रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, और थोड़ा सा है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऐड भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ब्रश का जो साइज़ है छोटा बड़ा कम ज़्यादा ये सब कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ऑटो एआई का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जितने भी फ़ोटो यहाँ पे रहेंगे, जितने भी इमेज रहेंगे वह सेलेक्ट हो जाएंगे। आप किसी एक पार्टिकुलर इमेज को क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से जैसे कि देख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जितने फ़ोटो रहेंगे यहाँ पे बताया जाएगा। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन है तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। हाई क्वालिटी में सेव करना चाहते हो तो हाई क्वालिटी पर क्लिक कर दीजिएगा, और जब हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी करोगे तो आपको ऐड देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं हाई क्वालिटी पर क्लिक कर देता हूँ और मुझे ऐड देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे इमेज सेव हो गया। ओके, तो है ना आसान। अब यहाँ पे इंचांस का ऑप्शन क्या है, ये जैसे रीमिनी ऐप में आप लोग करते हो या फोटो ट्यून ऐप में आप सभी लोग करते हो, कुछ इस तरीके से इससे भी किया जाता है। अब ये सेकंड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ से आपको कोई एक फ़ोटो चूज कर लेना है जिसको आपको क्लियर बनाना है, मतलब क्लियर कर देगा उस फोटो को। तो ये मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट किया हूँ, और देख सकते हो रिजल्ट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी फ़ोटो दिख रही है। ओके, अब आपको चेक करना कि ये काम किया कि नहीं, जैसे कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो जैसे ये फ़ोटो जो है एडिट होके आफ्टर वाली फ़ोटो है। अब पहले फ़ोटो कैसे थी इसको मैं आपको दिखाता हूँ, फेस पे मैं जूम करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके से देख सकते हो, पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से थी, ठीक। अब आफ्टर में कुछ इस तरीके से फ़ोटो हो जा रही है। तो फ़ोटो की क्लियरिटी भी यहाँ से अच्छे से चेंज कर पाओगे, आपको और किसी ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेव करने के लिए जिस तरीके से आप सेव करते थे वैसे सेव कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आर्ट इफेक्ट। ओके, तो चलिए हम आर्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से कोई एक फ़ोटो चूज कर लेना है जिस पर आर्ट इफेक्ट डालना है। ओके, तो इस ऐप में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया और यहाँ पे ढेर सारे आर्ट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जिस भी इफेक्ट को आप यूज़ करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, जैसे कि देख सकते हो मैं अप्लाई कर दिया हूँ और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। अब सेव करना है तो आप जस्ट सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और कोई भी फोटो एडिट कर सकते हो, कोई भी फोटो रिमूव कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ।